मटन मलाई चॉप बकराईद स्पेशल ज़बरदस्त। मलाई मटन चॉप बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमने एक बड़ा चम्मच जो है घी का इस तरह से डाल दिया है सबसे पहले। अब हम इसमें जो है प्याज हमने देखिए इस तरह से रफली कट कर ली है, हमने डाल ली है। दो मीडियम साइज की प्याज लिए थे हमने, और इस तरह से अदरक लहसुन और हरी मिर्ची ये भी हमने डाल दिया है। अच्छी तरह से हम सबको जो है मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। इसे देखिए हमने इसमें घी में इसे इस तरह से कर लिया है। अब हम इसमें जो है हमारी चॉप जो है मटन की ये डालेंगे। हम इस तरह से खुले बर्तन में बना रहे हैं, आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं। 5 मिनटों तक आप कुकर में डाल के इसे उसको गला लें। देखिए अच्छे से हम इसे जो है प्याज और मसालों को हाथ से भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक वो ऐड करेंगे। नमक हमने देखिए ऐड कर लिया है, और हम इसमें जो है पानी ये ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे कवर लगा के गोश्त गलने तक पका लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो कुकर में भी इसे गला सकते हो। हमने देखिए कवर लगा लिया है, अब हम इसे गोश्त गलने तक पका लेंगे। 100 ग्राम दही हमने ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर डालेंगे हम। देखिए 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर हम इसमें डालेंगे, साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर जो है चाट मसाला, हमारा होममेड चाट मसाला है ये, इसे हम ऐड करेंगे। साथ में हम डालेंगे 1 पिंच हम डालेंगे जावित्री का पाउडर, ये भी हम इसमें डालेंगे। सभी को अच्छी तरह से देखिए हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से, हमने मिक्स कर लिया इसे। अब इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम मलाई, ये भी हमने इसमें डाल दी है। देखिए इस तरह से अच्छे से 100 ग्राम दही में हमने 50 ग्राम मलाई डाली है। अच्छे से देखिए इसे हम तैयार कर लेंगे। बस अब हमारा जो है मटन जो है गल चुका है, उसे हम देखते हैं। बकराईद स्पेशल देखिए हमारी मटन मलाई चाप देखिए हम बना रहे हैं ज़बरदस्त। देखिए अच्छी तरह से हमारा मटन जो है ये पक चुका है, चाप हमारा जो मटन की चाप है देखिए अच्छी तरह से ये गल चुकी है बिल्कुल सही से, परफेक्ट बहुत अच्छी तरह से देखिए हो चुकी हैं। अच्छे से हम इसे जो है अब भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। इस अच्छी तरह से देखिए भुने जा चुका है। अब हम इसमें जो हमने दही और मसाले डाल के जो है गरम मसाला और चाट मसाला देखिए हमने जो डाला है ये ऐड करेंगे हम इसे। अच्छी तरह से हम इसे मसालों के साथ भून लेंगे बिल्कुल अच्छे से इस तरह से। मीडियम फ्लेम पे हम काम करेंगे, अब हम स्लो फ्लेम नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे, ज़्यादा फुल फ्लेम हम नहीं करेंगे। देखिए अच्छे से हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ने देंगे। इसके साथ में मलाई चॉप ग्रेवी देखिए हमारे मटन की अच्छे से पकने लग रही है। हमने दही, क्रीम, ब्लैक पेपर और हमने डाला है इसमें हमारा होममेड चाट मसाला, ये भी हमने डाला है। जावित्री का हमने चुटकी भर पाउडर जावित्री का भी डाला है। बहुत ही टेस्टी यम्मी डिश देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है, हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं। अच्छी तरह से देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। अब हम इसमें जो है गरम मसाला पाउडर ये ऐड करेंगे, साथ में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कसी हुई मेथी, ये भी हम डालेंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें एक छोटा सा बटर का 1 क्यूब ये भी हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें एक बटर का क्यूब ये भी हमने ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से हम इसे देखिए इस तरह से अच्छे से स्लो फ्लेम पे हम 2 मिनटों के लिए अच्छे से पकने देंगे अच्छे से। बटर इसमें हमने देखिए ऐड कर लिया है। अच्छे से हम इसे थोड़ा और 5 मिनटों के लिए अच्छे से स्लो फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे। देखिए इस तरह से हमने ग्रेवी रखी है, देखिए हम ग्रेवी वाले चाप बना रहे हैं, मलाई मटन चाप हमारे ग्रेवी वाले, बहुत ही टेस्टी बकराईद स्पेशल में इसे आप बनाएं, बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है ये।
बस अब हम कवर लगा के इसे और 5 मिनट स्लो फ्लेम पे रख देंगे। मटन चॉप मलाई देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। स्टीम हमारे देखिए मटन मलाई चॉप बनके बिल्कुल तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।